Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेडिकल हब के रूप में तेजी से उभर रहे यूपी के मेरठ जिले में एक अस्पताल के ऑक्सीजन सेंटर इंचार्ज ने एक वीडियो वायरल कर सनसनी मचा दी। आरोप लगाया कि प्रॉपर ऑक्सीजन देने से केएमसी हेल्थ सिटी में मरीजों की मौत हुई है। इस वीडियो के बाद कई सामाजिक संगठन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर आ गए। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लगाए गए आरोप पर जांच बैठा दी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आज मीडिया से बात की। इस आशय के सबूत दे के सेंटर इंचार्ज देवेंद्र का कथन सत्य से परे है और उसने ये आरोप नौकरी से निकाले जाने के बाद खुंदक में लगाए हैं। दरअसल जिस वक्त मरीजों की संख्या अधिक थी और जिस वक्त मरीज कम हो रहे थे, दोनों ही अवधि में सेंटर इंचार्ज देवेंद्र के रहते ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही थी। उसकी चोरी जब साबित हो गई तो उसने यह वीडियो वायरल कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का यह भी कहना है कि सेंटर इंचार्ज देवेंद्र की मान्यता उस वक्त जागी जब कोरोना मरीजों की संख्या में खासी गिरावट आ रही थी और उसकी चोरी पकड़ी गई। अगर वाकई में उसके आरोप सही हैं, तो उसे उसी वक्त यह वीडियो वायरल कर देना था, नौकरी से निकाले जाने के बाद नहीं। बहरहाल पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी गई है, साथ ही मानहानि का दावा भी किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि उसका यह कहना गलत है कि उन्होंने निर्धारित संख्या से अधिक मरीजों को वहां भर्ती किया। अस्पताल के प्रबंधक और एमडी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने यहां तक कहा कि जिस वक्त कोरोना तेजी से फैल रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त चिकित्सक व शासन की केवल एक ही प्राथमिकता थी और वह यह है कि किसी भी तरह मरीज को इलाज मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना था कि मरीज अस्पताल से खाली न लौटाया जाए। आइए पहले देखते हैं केएमसी के ऑक्सीजन सेंटर इंचार्ज देवेंद्र का वह वीडियो जो उसने वायरल किया है। जो हमारे जो डीएम से पेशेंट जो कोविड के टाइम पर अलाउ थे वो थे 50 पेशेंट। इन्होंने 193-94 पेशेंट एडमिट किए और एडमिट भी किए, उसके अकॉर्डिंग एडमिट तो किए मगर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो डीएम साहब से हमें ऑर्डर मिले हुए थे वो सिर्फ 300 सिलेंडर ही मिले हुए थे, जिसका मेरे पास प्रूफ है। डीएम साहब की जो चैट है वो भी है मेरे पास, जो मैडम को मैं चैट भेजता था वे भी है, क्योंकि हमारे ऑथराइज 300 सिलेंडर थे और इन्होंने 193 पेशेंट एडमिट किए। 193 पेशेंट पे जो अगर हमारी ऑक्सीजन लगेगी तो करीब 800 सिलेंडर लगेगी 24 घंटे में, जो कि प्रेशर जो 4.1 चलता था उन्होंने मेरे से कोविड के टाइम पर 1.5 पे चलवाया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली 25 से 30 की मौत होती थी और मैं बहुत परेशानी में था। मेरे पर ये नहीं देखा जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि डेली पेशेंट मर रहे थे। इन्होंने मेरे को बाहर बताने के लिए मना किया, मेरे को धमकाया कि तूने अगर बाहर बताया तो तू मुझे जानता नहीं है, मेरा SP दरोगा और तुम्हारे DM मेरे पता नहीं नेताओं से पता नहीं कहाँ का मेरी जानकारी है, तुझे मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मत मरवा दूंगा और तुझे कहीं दिखने भी नहीं दूंगा, तू चमार का भी है, चूड़ा है, इस तरह से मेरे को ये कहता था। तो मैं चुपचाप वहाँ जॉब करता रहा, ड्यूटी करता रहा 1-2 महीने से कोविड के टाइम पर, दिन रात मैंने वहाँ पर ड्यूटी की। बस जब मेरा बिल्कुल ही उन्होंने पेशेंट को मार मार के बिल्कुल हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने, तब मेरे को रहा नहीं गया। मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को, कि आप ऐसे ना करें क्योंकि पेशेंट मर रहे हैं, कोविड का आप नाम ले लेके ऑक्सीजन से पेशेंटों को मार रहे हैं, पैसे एडमिट कर पैसे ले लेके पेशेंटों से पैसे ऐड रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, जैसे मैं कहूँगा तू ऐसा ही करेगा। आज KMC हेल्थ सिटी के महानिदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मीडिया से बात की, आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। इस संस्थान के बारे में पिछले 3-4 दिन से एक नकारात्मक वातावरण कुछ अराजक तत्वों ने फैलाया, उसके बारे में भी मैं आप सभी बंधुओं से साझा करूंगा कि ये जो लड़का देवेंद्र है जिसने इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है, ये हमारे यहाँ पुराना कर्मचारी भी था और सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट में कितने सिलेंडर कब लगने चाहिए ये मंगाता था। हम लोग विश्वास करते ही थे, विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन पिछले 8-10 दिन में जो सिलेंडर ये मंगा रहा था उसके अनुपात में मरीज हमारे यहाँ बहुत कम थे।
तो हम इस बात से चिंतित थे कि इतने कम मरीजों में इतनी ऑक्सीजन क्यों मंगाई जा रही है। जब फिजिकली मेरी वाइफ डॉक्टर प्रतिभा ने जाके 28 तारीख की शाम को सेंट्रल कंसोल पे खुद व्यक्तिगत निरीक्षण किया तो उसमें पाया कि जितने सिलेंडर की डिमांड देता था उससे आधे सिलेंडर यूज होते थे। जब इससे उसका कारण पूछा तो ये दाएं बाएं किया, और एक घंटे जब मैडम वहाँ पर रही, मैंने बाद में रिकॉल किया कि इसने अपनी गाड़ी भी उसी गेट के बाहर लगा रखी थी, उसी दिन मुझे पता चला। और जब मैंने इससे सख्ती से पूछा तो ये भागा और गाड़ी में चला गया। उसके बाद ये 15-20 लड़कों को हथियार से लैस लेके आया, मैं अंदर किसी कार्य से आ गया अस्पताल के अंदर, तो इसने वहाँ पे हमारी मैडम डॉक्टर प्रतिभा, एक दो सीनियर लेडी स्टाफ और हमारे और लोग भी काम कर रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी चल रहा है, वो मजदूर भी वहाँ बैठे थे। इसने 15-20 लोगों को लेकर उनमें फिजिकल अटैक करने की कोशिश की, सेंट्रल गैस प्लांट में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, वो मैडम ने वहाँ रोक दिया इसको, और उसके बाद में भी पुलिस को इन्फॉर्म किया, हमने भी एक तहरीर दी, ये वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन इसने उन इरादों से, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन के बाद इसने ये बिना आधार के ये वीडियो वायरल की कि साहब इनके यहाँ ऑक्सीजन कम होती थी। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस समय इनका ईमान कहाँ था, इनकी मानवता कहाँ थी, जब ये खुद इतनी कम ऑक्सीजन मरीजों को दे रहे थे। और इतना बड़ा संस्थान ये है, हम लोग इतना बड़ा एक समर्पण है हमारा, निष्ठा से काम करते हैं। मैं और मेरी वाइफ पूरी पूरी रात ऑक्सीजन के प्लांट्स पर रहे हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन जुटाने के लिए सुबह रात के 10 बजे तक अस्पताल में थे। जब देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कभी उस अस्पताल को मिल लिया, हमारा नंबर अभी नहीं आ रहा है, कभी इसको मिल लिए, तो हमने ये कि भाई उनके नंबर के बाद हमारा भी मिल जाए, ये इंश्योर करने के लिए मैं और मेरी वाइफ कई रात ऑक्सीजन प्लांट में हमने गुजारी है। हम लोग सुबह 7-7 बजे 8-8 बजे अपने घर आए हैं ऑक्सीजन प्लांट से। अगर हमारी इस तरह की बदनीयत होती कि हमें मरीजों को कम ऑक्सीजन देके ये करना है तो हम ऑक्सीजन प्लांट में क्यों लेटते पूरी रात। कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से कमी आ रही है, इसलिए इस दौरान बेहद सतर्कता जरूरी है। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, घर पर रहें और सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।